दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 में शनिवार को हुए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दिनेश कार्तिक का फिर धमाल देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 34 बॉलों पर 66 रनों की पारी खेली। दोस्तों, इस सीजन दिनेश कार्तिक सबसे बेहतरीन फिनिशर बनकर उभरे हैं, जिन्होंने लगभग हर मैच में अपनी टीम की नैया पार की है। दिल्ली के खिलाफ हुए मैच में भी जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौटे तब दिनेश ने तूफानी पारी खेलकर बेंगलोर को बढ़त दिला दी। दोस्तों, आरसीबी की पारी के 18वें ओवर में दिल्ली की ओर से मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग कर रहे हैं, तब दिनेश कार्तिक ने उन पर ऐसा टूटा कि सब देखते ही रह गए। चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी थी दिनेश कार्तिक ने उस ओवर में। दोस्तों, इसके अलावा अगर इस सीजन की बात करें तो दिनेश कार्तिक अपने प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं। अभी तक इस आईपीएल सीजन में दिनेश कार्तिक के बल्ले से नाबाद 66, 34, नाबाद 7, नाबाद 44, नाबाद 14 और नाबाद 32 रन बनाए हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि दिनेश कार्तिक नंबर 7 की बल्लेबाजी करने आते हैं। उन्होंने अभी तक टोटल 197 रन बनाए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।